सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण का फैसला लिया है। इस फैसले के विरोध में चारों बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल को बैंक अधिकारियों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने भी समर्थन दिया है। सोलन के माल रोड पर बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व प्रदर्शन किया। शाखा प्रबंधक संदीप आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार सभी उपकरणों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि अगर ये निजीकरण होता है तो उनके कई साथी बेरोजगार हो जाएंगे। इस निर्णय को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से सभी कर्मचारी परेशान हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्र सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि चारों कंपनियों का विलय करके एक कंपनी बना दें, लेकिन उनका निजीकरण ना हो। हमारे यहाँ धरना देने का और एकत्र होने का कारण सरकार की दमनकारी नीति है, जिसके तहत वो PSUs का निजीकरण के लिए जीवना अमेंडमेंट बिल पास कर रही है, जो दो की लोकसभा में पास हो चुका है, अभी राज्यसभा में वो अवेटेड है। तो उसी के खिलाफ हमारा ये धरना है कि सरकार को ये PSU का निजीकरण को रोकना होगा, और उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इसको रोका जाए, निजीकरण को रोका जाए। और हमारे जो वेज रिविज़न जो पिछले 4 साल से अटके पड़े हैं, पेंडिंग हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से जारी करें, ताकि हम अपना मन लगा के काम कर सकें। हमारे वेज रिवाइज न होने के कारण, टाइमली ना होने के कारण, और ये निजीकरण की जो अफवाहें चल रही हैं या फिर जो बिल पास हो रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एफ ऑफिसर्स हैं, जो हताश हैं, उनका जो मनोबल टूटे हुए हैं, वो इसी कारण से हैं। तो उनको वापस लें, ताकि वो अपना मन लगा के काम कर सके और PSU का आधार बना रहे। और PSU ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सोशल वेलफेयर का काम किया जाता है, जो आपकी आम जनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं, उनकी सर्विसेज के लिए PSU ही हमेशा आगे आता है, प्राइवेट कंपनियां कहीं आगे नहीं आती। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा वेज रिवाइज जल्दी से कर दिया जाए, और इस निजीकरण को टाल के इसको एक मर्जर में तब्दील कर दिया जाए। जैसा कि सरकार को भी पता है और सभी जानते हैं कि जो हमारी नेशनल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चारों ही कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ अगर हम देखेंगे तो 2026 और 27 तक लगभग 80% लोग रिटायर हो जाएंगे, तो बचे हुए सिर्फ 20% लोग ही होंगे। 20% को मिला के एक कंपनी में मर्ज किया जा सकता है और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाई जा सकती है, जिससे हमारा एक अनहेल्दी कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा PSUs के साथ, जिससे हम प्रॉफिट में भी आएंगे और एक अच्छा सरकार को भी एक अच्छा धन संचय करके दे सकते हैं, और अपने एम्प्लॉयमेंट को भी जारी रख सकते हैं। अगर PSU ख़त्म हो जाएगा तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कितने लोगों के भविष्य, जो आप अपनी जो एक जवान पीढ़ी है, जो आप यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है पिछले 5 से 10 साल के अंदर ही, उनके जो भविष्य पे एक तलवार लटकी हुई है, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस स्टेज से उनके लिए कहीं भी जाना, कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नए सिरे से वो अपना कहाँ से जीवन यापन करेंगे, कहाँ उनके लिए जॉब्स को सिक्योरिटी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कैसे कर पाएंगे। तो सरकार से अनुरोध है कि इस निजीकरण को, अमेंडमेंट बिल को वापस लें, हमारे वेज रिवाइज जल्दी से करें, और कोशिश करें कि हमारा ये चारों कंपनियों को मर्ज करके एक संगठित कंपनी बना दी जाए, जो कि एक सुचारू रूप से इस PSU को चलाने के लिए सक्षम रहेगी। समस्या यही है कि निजीकरण होने के बाद, अगर निजीकरण हो जाएगा तो एक ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी ना, ठेकेदारी प्रथा है, निजीकरण है, तो किसी एक मालिक के हाथ में हमारी बागडोर आ जाएगी, और हमारा एक जो आज़ाद समितो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस चलो हमारा भी ठीक है, लेकिन एक जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं, जो उनको सर्विस देने की बात है, तो प्राइवेट कंपनी है, तो उनको सर्विस नहीं दे रही है। अभी भी अगर एक आप एग्जांपल निकाल के देखोगे, पॉलिसी काउंट देखोगे तो हमारा जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो 95% सिर्फ PSU ने किया है, 5% भी प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं है इंश्योरेंस। और बड़ी बड़ी जो फसल बीमा योजना जो हमारे किसान भाइयों के लिए है, उसको कौन चला रहा है, उसको PSU चला रही है, कोई प्राइवेट नहीं चला रहा है, कोई भी प्राइवेट उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। सुरक्षा बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना, ये कहाँ से चल रही है, ये सब PSU चला रहे हैं। अगर ये PSU ही बंद हो जाएंगे तो इनको कौन देगा, कौन सुरक्षा देगा, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी आय कम है, जिनको सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं है, उनको कौन देगा। उन सबको बचाने के लिए, उन सबको सुरक्षित रखने के लिए, किसानों को, मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए, ये PSU का रहना, अस्तित्व रहना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से
सोलन के अलावा ये हमारा संपूर्ण भारत में ही इसका विरोध चल रहा है। संपूर्ण भारत में आज धरना प्रदर्शन है, कोई एक इंडिविजुअल कहीं एक ऑफिस या किसी एक जगह का नहीं है, संपूर्ण भारत ही इसके खिलाफ खड़ा है। जितने भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा है। हाँ, आज का जो ये धरना है पूरे भारत में संगठित रूप से किया जा रहा है। धन्यवाद।